पूर्णगिरी मंदिर भारत के उत्तराखंड प्रांत के शहर टनकपुर में अन्नपूर्ण शिखर पर 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 108 सिद्ध पीठों में से एक है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव जी की अर्धांगिनी शती की नाभि का भाग यहां पर विष्णु चक्र से कटकर गिरा था। प्रतिवर्ष इस शक्तिपीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहां आते हैं। तो हम भी निकल चुके हैं नवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य पर पूर्णगिरी के इस रोमांचक सफर पर। The Adventurers सफर बरेली और शिवम है एटा, मतलब एटा तो नहीं, ट्रेन में है, वो आ रहा है, तीन मिनट में ट्रेन आ जाएगी हमारे इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर। हो सकता है औरन के चक्कर में मेरी आवाज़ ना आ रही हो। और बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है हमारा पूर्णगिरी का सफ़र। बहुत ही रिसेंटली हमने इतनी सारी ट्रिप की और फिर अभी क्या कहते हैं नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने फिर से एक ट्रिप की थी पूर्णगिरी की। तो सोचा है एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए पूर्णगिरी के ऊपर, एक डॉक्यूमेंट्री की टाइप। तो कोशिश तो यही है, बाकी देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं पूर्णगिरी जाने के लिए ट्रेन में और हमें बुलाई बहुत सारे भाई बंधु सारे भाई हमारे साथ हैं। आवाज़ किसी की नहीं आ रही होगी। तूने यार माइक ही बंद कर रखा है। अरे साले, तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं पूर्णगिरी जाने वाले ट्रेन में और हमारे साथ कई सारे भाई बंधु हैं। क्या दे सकते हैं अगर आवाज़ आ रही है? अरे नहीं शुरू करो, जयकारा लेके माता का नाम शुरू करो, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी। चल ले पीछे, जय माता दी। अब अपनी जगह जय। सफर कैसा है ये सफर? तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं पूर्णगिरी टेंपल के बहुत मंदिर के बहुत 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 ही ज़्यादा करीब। और उससे पहले हम जाएंगे बूम 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 पर, हम लोग लेंगे सब स्टॉप और कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि भूख लग रही है। और ये वाला जो रास्ता है, इस वाले रास्ते को हम सीधा पकड़ के आए हैं और ये रास्ता टनकपुर से सीधा यहाँ पर आया है। तो पैदल पैदल जाने का इरादा है, बाकी अगर लगी दिक्कत तो सवारी वगैरह काफ़ी चल रही, भीड़ भाड़ है, निकलते जा रहे हैं लोग काफ़ी सारे। बाकी मज़ा आ रहा है और लेते हैं मज़ा, दिखाते हैं फुल एंजॉय भैया के हिसाब से। इस बार हमारे साथ तीन लोग नए हैं। हाँ, तीन चेहरे नए हैं, आपने नहीं देखा। हाँ, मंजिलों की न है कोई खबर। तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, हम लोग हैं फिलहाल पूर्णगिरी, पूर्णगिरी के परिक्रमा वाले मार्ग पर और करीब यहाँ से है 3 किलोमीटर और ऊपर। कल रात में थोड़ा सा नहीं, मतलब कितना किलोमीटर यार, वहाँ तो कहीं पूछे 27 किलोमीटर चले गए, 27 किलोमीटर पैदल पैदल चल के आए और फिर जाके मतलब हालत तो ये हो गई थी कि बस सो गए, सो जाओ। तो सो गए थे, कुछ नहीं बनाए वीडियो वगैरह। वीडियो अब सुबह उठे नहा धो के चल दिए माता के दर्शन करने। एक चीज दिखाए भाई, नैनो देख, नैनो बस सिर्फ राम राम, कितना प्यारा रहा। तो बस वीडियो में बने रहना और देखते रहना। दो बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे चढ़ाई के ऊपर छोटी पर। चढ़ाई में यही होता है, साथ के पिछड़ जाते हैं, भीड़ तो आप देख सकते हैं कितनी है। तो पिछले एक घंटे से खड़े होकर कैसा लग रहा है? बहुत ही बेकार। और तुम्हें? फुल एंजॉय, मजा आ रहा है। और हम सब की हालत तो देख सकते हैं। एकदम जबरदस्त।
विशाल माता रानी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। और जैसा कि कुछ दिनों से चल रहा था यहाँ पर मौसम को देखते हुए, मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा था और यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा हो सकता है थोड़ी बहुत देर में बारिश हो जाए, जैसा कि यहाँ के सब लोग बता रहे हैं। और बाकी दर्शन वगैरह हमारे सब बढ़िया से निपट गए, साथ मिलता रहा सब लोगों का। चलो चले हम खड़े क्या हो, चलो जुड़े रहिए जल्दी से जल्दी, अरे जल्दी से जल्दी क्या होता, जुड़े रहिए जुड़े रहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे अब, पहले करते दो नंबर फिर करते हैं बात। कैसा है ये सफर, मंजिलों है वाला खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस तब वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना। तो इतनी सारी चढ़ाई करने के बाद फिलहाल हम आ चुके हैं मंदिर, झूठे का मंदिर जहाँ पर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, इसको झूठे का मंदिर क्यों कहा जाता है। भैया जी आप यही लोकल से ही हैं, अंकल जी आप यहाँ लोकल से हैं, लोकल वाले कौन बनियान वाले हैं, ये नहीं रहते आप यहाँ पर, यहाँ इस मंदिर को झूठे का मंदिर क्यों कहा जाता है। ये वो लोकल वाले वो खड़े हैं जो बोल रहे हैं पंडित जी। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पंडित जी हैं जो यहाँ पे लोकल में रहते हैं। अंकल जी आप यहीं लोकल के रहने वाले हैं, तो इस मंदिर का नाम झूठों का मंदिर क्यों पड़ा, हम ये जानना चाहते हैं। मेरी संतान होगी, मैं झूले का मंदिर लेके आऊँगा, उसकी संतान होगी, उसे आ गया लालच, लालच के बारे में होने की जगह मैं तावी का बना के होने की हाल बना रहा। अच्छा, इसीलिए झूठे का मंदिर हुआ। अच्छा, तो इसने पार्वती जी के साथ छल कपट करना चाहा, उन्होंने इसकी मन की बात पकड़ ली, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया झूठों का मंदिर। तो बहुत ही बढ़िया जानकारी हमें प्राप्त हुई, और चलिए देखते हैं। किंवदंती है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री पार्वती सती ने अपने पति महादेव के अपमान के विरोध दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में स्वयं कूदकर प्राण आहुति दे दी थी। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए सती पार्वती के शरीर के 51 टुकड़े किए। शिव पुराण के अनुसार वहाँ एक शक्ति पीठ स्थापित हुआ, इसी क्रम में पूर्णगिरी शक्ति पीठ स्थल पर सती पार्वती की नाभि गिरी थी। तो बहुत सारी चढ़ाई करने के बाद, चढ़ाई तो नहीं उतराई करने के बाद, उतराई कहेंगे, सभी लोग ये गए और हम लोग उस चोटी, वो वहाँ से आ रहे हैं, मतलब यहाँ से ऐसे 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 होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए वहाँ उस वाली चोटी से, और सभी ये चले जा रहे हैं मस्ती में, माता रानी की मस्ती में। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या कहते हैं, अरे चांद देख वहाँ पे कितना प्यारा दिख रहा है यार, शायद कैमरे में देख पा रहा हूँ या नहीं, पर फिलहाल हम लोगों ने ट्रैकिंग मतलब ट्रैकिंग वाला रास्ता पकड़ा है, जो रोड है वो रोड उस पैरेलल ही चल रहा है जहाँ पे हम चल रहे हैं। और यहाँ पर भी हम लोग थोड़े थोड़े शॉर्टकट तो नहीं चीट कोड जो कि ये है इधर दिखा, क्या होगा चल ही रहे हैं यहाँ से, चलो यहाँ पे चलो 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 ना नीचे आराम से पकड़ के चलना, ये बेल पकड़ के उतरिए, पकड़ो पकड़ो चलो ना आगे बढ़ो, चालू रखा वीडियो बनाने, हाँ चालू है, बेल पकड़ के, बेल पकड़ के पैर फिसल जाएगा। समुद्र में तो आ जाएंगे, अरे अरे सन्नी आराम से पकड़ के यार, उन्हें पता चल कुछ नहीं यार, पैर जमा के चलो, कोई दाढ़ी पकड़ने की जरूरत नहीं है।
हम जो चलने लगे चलने लगे हैं ये रास्ते मंजिल से बहते लगने लगे ये रास्ते। इन सब मनुष्यों की तरह ये तीनों चारों मनुष्य भी लगे हुए हैं खाने को पाने के लिए भंडारे की लाइन में। तो रात को उतरने के बाद पूरी रात मस्ती की हमने इस जगह और यहीं पर नाइट स्टे किया था। तो फिलहाल हम लोगों ने की है शेयरिंग टैक्सी बूम तक के लिए। तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं बूम पर सकला का बूम पेंसिल ढूंढने। उसको लाने के बाद जिसका जो मन होगा वो बनाएगा। तू भाई क्या बनाना चाह रहा है? पास पेंसिल होगी तो सकला बूम वाली पेंसिल होगी तो क्या बनाना चाह रहा है? आप क्या बनाओगे? एक ही चीज है हमारी बेटी, वो तो आपके पास है ही, दोबारा बनाए क्या करोगे? दोबारा ही बनेगी वो। तुम बताओ भाई मैं क्या बनाऊंगा? हाँ एटीएम पैसे भी तो होने चाहिए उसके, तो पैसा भी निकलेगा उस पैसे से। मैं जाके किताब खरीद के लेके आऊंगा जिसमें देखूंगा कि मशीन कैसे बनती है पैसा बनाने वाली। फिर उसका अलग रुपए बनाने वाली मशीन बनाऊंगा। यानी कि इनको चाहिए पैसे? अरे और पैसा तो सारा ये कह रहे लड़की पैसा हो तो लड़की भी होगी। तुम लड़की के पीछे भागोगे लड़की पैसा लेके भागेगी। तुम पैसे के पीछे भागो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। आ चल यही आ जा। दो फिलहाल मौज मस्ती करते घूम से घूम के हम लोग एक ऑटो में बैठे हैं सिपाही के साथ और मौसम बाहर का हो रहा है कुछ ये। और बाकी हमारे साथ ही फिर वो पैदल पैदल मतलब थोड़ा सा ग्रुपिंग हो गई थी आगे आगे अलग अलग हो गए थे। तो बस हम मजा ले रहे हैं, देखते हैं वो लोग कहाँ हैं, उनको भी इस ऑटो में बिठा लेंगे और फिर हॉस्पिटल जाम में पहुँचना है सारदा घाट। तो इन सब लोगों को भी रास्ते में से उठाने के बाद अब सीधे हम लोग चल दिए हैं सारदा घाट की ओर। सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं शारदा घाट पर और ये लोग पता नहीं किधर चले गए साथ में ही थे थोड़ी देर पहले तक तो, पर अब यही फिलहाल पता नहीं कहाँ है। पर मौसम आप देखिए कितना मतलब आंटी पता नहीं ढोलक हम खरीद के लेके आए थे पुण्यगिरी से 100 रुपए के लिए आए थे, 150 रुपए की ले लो आप। तो फिलहाल मैं नहा चुका हूँ और मेरे साथ सब नहा चुके हैं और ये सब दोबारा गए हैं नहाने सिर्फ सचिनिया की वजह से। देख सकते हैं हालत बहुत खराब है, पानी इतना ठंडा है बहुत। तो फिलहाल घाट से नहा धो के मतलब शारदा घाट से नहा धो के अब और जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है पीक जो दिख रही है वो है नेपाल। फिलहाल है हम लोग डैम पर जो कि वो इस डैम का नाम क्या है? डैम का नाम नहीं पता लेकिन ये इंडिया और नेपाल के बीच का डैम है। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर। फिलहाल बॉर्डर ही है जो ये आ रही है नीचे नीचे
स्टार्ट तक हट जो है यही बॉर्डर है मेरी जान। ये पानी क्रॉस कर रहे हो तुम, पानी क्रॉस कर रहे हो तुम जहाँ से। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सिद्ध बाबा, जैसा कि आपको बताया था पहले। तो मैं अकेला फिलहाल इस वजह से हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है बहुत लंबी लाइन, अभी आपको दिखाता हूँ लाइन की कितनी लंबी लाइन लगी है। तो लाइन के चक्कर में हम लोग आगे पीछे हो गए, तो मतलब आगे पीछे हो जाते तो फिर आगे पीछे दर्शन करने पड़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या होने गई ये तो दर्शन बढ़िया से हो गए मेरे तो, बाकी वो लोग कर ही रहे हैं। बाकी ये हैं हेलो बाबा। हाँ हो सकता है क्वालिटी थोड़ी सी थोड़ा डाउन हो क्योंकि जो प्रॉपर हमारा साउंड का वीडियो बनाने वाला है वो फोन हो चुका है खराब। और बाकी हम ले रहे हैं मज़े, उन लोगों को भी ढूंढते हैं अभी फिलहाल है कहाँ पर। बाकी मंदिर की जगह तो बहुत सुपर, बहुत सुपर। आप एक बार आइए यहाँ पर नेपाल, नेपाल में ही लगता है ये सिद्ध बाबा का मंदिर। जैसा कि बताया जाता है पुंडागिरी में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आना ही पड़ता है। तो बस हम भी बाकियों की तरह आए माता रानी के, मतलब माता रानी जी के जो पहरेदार कहे जाते हैं उनके पास, उनके मंदिर में घूम के आए थे। बाकी तो ऐसा सा है सब कुछ, और बस ढूंढते हैं वो लोग है कहाँ पर। हाँ तो जिस लाइन की मैं बात कर रहा था वो ठीक मेरे पीछे है, जहाँ तक है इधर ही कहीं वो लोग भी लगे होंगे। हाँ देखिए देखिए रडार में आ गए, ये गए ये गए ये गए। भीड़ भाड़ अच्छी खासी है यहाँ पर, नौदुर्गा के टाइम में इतनी भीड़ भाड़ आती है, वरना आप बाकी दिनों आएंगे तो इतनी भीड़ नहीं देखने को मिलेगी। तो बस मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मज़ा लेने के लिए ही आए हैं यहाँ पर। तो फिलहाल नेपाल से हम एंट्री करने जा रहे हैं फिर से अपने भारत मत भारत पर भारत में। थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज का दिक्कत हो रही है यहाँ पर, नेपाली सुन सुन के नेपाली भाषा आ रही थी। ओहो फोन ही स्विच ऑफ हो गया। खैर इससे आगे दिखाने के लिए इतना कुछ था भी नहीं। यहाँ से मैं वापस आ गया बरेली और स्वयं चला गया वापस एटा। तो कैसा लगा हमारा ये पुण्यगिरी का सफर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।